स हम बोल रहे हैं और आई I मीन mean, क्या वैल्यू ये ऐड कर रहा है कि क्यों ये इतना तो मशहूर हो गया सैस का जो बेसिक मॉडल है ना वो बहुत सिंपल सा है जिसको जिसका बेसिकली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे लैपटॉप पे मैंने इंस्टॉल किया और मेरे लैपटॉप पे वो चल रहा है सैस आपको सिंपल ये कहता है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसको आपको अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अब ये देखने में बहुत सिंपल चीज है लेकिन इट एक्चुअली चेंजेस द यूजर यानी एक जमाना था कि फॉर एग्जांपल याहू मैसेंजर था वो उसको यूज करने के लिए मुझे उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता था ओनली देन आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू नो अदर ऑफ माय फ्रेंड्स अदर ऑफ माय कोलिग्स जो सैस कहता है वो ये कहता है कि इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ थर्ड पार्टी टूल और अ थर्ड पार्टी होस्ट या एक ऐसा एक ऐसी मशीन है जहां पे आपके सॉफ्टवेयर जो आपने यूज करने हैं वो वहां पड़े हुए आप जो तीसरा होस्ट है उसको बिल्कुल वैसे ही यूज करें जैसे आपका अपना कंप्यूटर है इसको कहते हैं बेसिकली क्लाउड क्लाउड से मुराद ये है या सैस से मुराद ये है कि जो सॉफ्टवेयर एक्चुअली मेरी कंप्यूटर पे होने चाहिए थे मेरे लैपटॉप पे होने चाहिए थे क्योंकि उनको मैंने यूज करना था तो यूज तो अभी भी मैं ही कर रहा हूं लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि दी दी सॉफ्टवेयर उनको ऐसे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन मेरे लोकल पीसी पे होना जरूरी नहीं है अब ये बीइंग बींग नॉर्मल यूजर तो मुझे इतना नहीं फर्क पड़ता कि चलो मैंने ईमेल यूज कर ली एंड सो ऑन अब इसको बिजनेस व्यू पॉइंट से सोचे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी किसी वक्त भी जा सकती है इंटरनेट रिलायबल आना शुरू हुआ है यानी ऐसे कंट्री में जहां पे डिपेंडेंसीज हैं वेबिलिटीज हैं रिस्क मौजूद है अगर आपको दो ऑप्शन दी जाए एक ऑप्शन ये कि आपने अपना डेटा सेंटर अपने कंप्यूटर्स जहां पे क्लाइंट का डेटा पड़ा हुआ है, अपने ईमेल सर्वर्स, हर चीज आपने खुद मेंटेन करने है और अगर लाइट चली जाती है कोई डिजास्टर हो जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल है आजकल के जमाने में बिजनेस हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं एक्सेप्ट दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द क्लाइंट डेटा सिंपल फुल स्टॉप इसमें कोई बहस नहीं है क्योंकि डेटा इज द दे की डेटा के जरिए वो क्लाइंट को पिच कर रहे हैं डेटा के जरिए वो क्लाइंट को एक्सेस कर रहे हैं वर्सेस ये एक सिनेरियो था कि हर चीज खुद मेंटेन करें डाटा सेंटर्स वो सर्वर्स जहां पे आपका कस्टमर का डाटा पड़ा हुआ है आपके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं आपकी सेल पड़ी हुई है सेल का डेटा पड़ा हुआ है वो आप खुद मेंटेन करें वर्सेस एक ऐसा थर्ड पार्टी मौजूद है जो ये कहता है कि आपको डाटा सेंटर मेंटेन करने की जो कॉस्ट है और सबसे ज्यादा जरूरी जो रिस्क है वो आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है वॉट डज इट इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जब डाटा सेंटर बनाना है तो आपको बहुत महंगे सॉफ्ट हार्डवेयर खरीदने हैं अब हार्डवेयर महंगे तो खरीद लिए अब उनको आपने मेंटेन भी करना है तो परचेजिंग द एक्सपेंसिव हार्डवेयर और फिर उनको मेंटेन करना और फिर ना खादा अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो बैकअप एंड रिकवरी के लिए भी आपको सर्विस खरीदने हैं ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है और ऑब्वियसली वो कुछ चार्जेस वो अब आपसे ले रही है तो इसको बोलते हैं क्लाउड इफ यू सी द इमेज सबसे टॉप पे यूजर बैठा हुआ यानी मैं और आप बैठे हुए उसके नीचे अब यूजर ने अगर वेबसाइट एक्सेस करनी है कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस करना है अपनी इवन कोई वर्ड फाइल एक्सेल फाइल एक्सेस करनी है तो वो डायरेक्टली अब क्लाउड पे जाएगा क्लाउड पे जाने के बाद वो अपनी फाइल्स को एक्सेस करेगा और उसके बाद वो फाइल्स अब ये बहुत जरूरी बात है वो फाइल्स क्लाउड के जरिए ही इंटरनेट पे दूसरे से शेयर हो जाएंगी यानी ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक फाइल मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई थी और मैंने वो दूसरे से अगर शेयर करनी है विदाउट क्लाउड तो मुझे उसको ईमेल करनी पड़ती है लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ क्लाउड या सैस बेस्ड सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मैं अपना फाइल्स अपना डेटा अपनी वेबसाइट अपने सॉफ्टवेयर किसी दूसरे से शेयर कर सकता हूं विदाउट इवन इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर इन टू माई कंप्यूटर ये एक बहुत समझिए कि बहुत बड़ा चेंज है बहुत बड़ी चीज है फ्रॉम द बिजनेस व्यू पॉइंट भी कि यू आर गोइंग फॉर लो कॉस्ट एंड यू आर एवॉइडिंग और यू हैव एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू स्पेंड अलॉट ऑफ मनी ऑन ऑन परचेजिंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर क्योंकि आपके पास अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट मौजूद है या ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो आपको क्लाउड सर्विसेज वो पे करती हैं यानी वो क्लाउड सर्विसेज आपको दे ऑफर यू एंड ऑब्वियसली दे दे चार्ज यू फर्क सिर्फ ये कि आपको कोई अप फ्रंट कॉस्ट नहीं देनी दे यू हैव टू पे एज यू यूज और अगर आपकी जरूरत ज्यादा है तो आप ज्यादा पे करेंगे यानी आपके अगर फॉर एग्जाम्पल आप को बेसिकली स्पेस मिल जाती है क्लाउड के ऊपर जिसका आप पे कर रहे होते हैं अगर आप ज्यादा स्पेस आप आप ऑक्यूपाई करेंगे या ज्यादा स्पेस आपको चाहिए होगी यू पे मोर और अगर आप ज्यादा अगर आप कम स्पेस आप ऑक्युपाई करेंगे या कम उसकी यूजेबिलिटी होगी आप उसको पैसे कम पे करेंगे सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ वेरी वेरी ट्रेंड सेटिंग कॉन्सेप्ट जिसके जरिए आपकी जो एप्लीकेशन है उनकी एप्लीकेशन uh, की जो यूजेज है और जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की वो ड्रेस्टिकली कम हो जाती है व्हेन यू मूव टू क्लाउड